अवोटा प्लांट कहते हैं, ये एक जेड प्लांट की जाति से ही है। कर्सुला अवोटा को मनी ट्री, फ्रेंडशिप ट्री भी कहा जाता है। फेंगशुई और वास्तु में भी इसको एक पॉजिटिव एनर्जी देने वाला प्लांट बोला गया है। ये हमारे भीतर एक पॉजिटिविटी भर देता है ताकि, और हमारी लाइफ को ये खुशहाल कर देता है। इसलिए आप इसको अपने गार्डन में, घर में, ऑफिस में इसको जरूर प्लेस दें। आप देख रहे हैं मेरे यहाँ ये मदर प्लांट है इसकी, आप देख रहे हैं बहुत बड़ी तने हो चुके हैं, स्टेम्प बहुत बड़ी बड़ी हो चुकी है और बहुत ही वृक्ष फैल चुका है। अगर आप इन छोटे छोटे प्लांटरों में भी लगाते हैं ऐसे, तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छी इनकी ग्रोथ हुई है। और अगर आप एक टहनी से भी इसको ग्रो करते हैं तो ये एक सकुलेंट प्लांट है, थोड़ी सी केयर करने से ये बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। मैंने यहाँ पे इसकी थोड़ी सी टहनी काट ली है, ये टहनी काटी है और इनको मैं टहनियों से और एक ओनली एक लीफ से भी ग्रो करके आपको दिखाऊंगी कि इसके कैसे रिजल्ट है और इनकी कैसे केयर करनी है और इनको कैसे पानी देना है सकुलेंट प्लांट की वजह से। और इसको आप जरूर अपने घर में, ऑफिस में लगाएं ताकि ये आपको पॉजिटिव एनर्जी देकर आपकी लाइफ को खुशहाल करे। फ्रेंड्स, जब भी आप सकुलेंट प्लांट लगाते हैं इन छोटे छोटे पॉट्स में, जैसे मैंने आपको दिखाया है ऐसे छोटे छोटे आप पॉट्स में लगाते हैं, तो हमेशा आप इसमें पहले आप ग्रेवल जरूर डालें। ग्रेवल डालने से ये होता है कि जो हमारे ये प्लांट्स की रूट्स हैं वो नीचे तक नहीं, पॉट के नीचे नहीं लगेंगी। अगर हमारा थोड़ा सा पानी भी नीचे रह जाता है तो वो इन रूट्स को गलाएंगी नहीं, गलेंगी नहीं। तो यही वजह होती है कि हमारे जो ये सकुलेंट प्लांट है बहुत जल्दी गल जाते हैं। और मेरे कई व्यूअर्स बोलते हैं कि हमारा सकुलेंट प्लांट नहीं चला। सबसे बड़ी वजह उनकी ये पानी का अच्छा रखरखाव ना होने की वजह से होता है। आप ये ग्रेवल जो हमारे कंस्ट्रक्शन में काम आते हैं उनको आप ये पॉट की निचली ऐसे करके डाल दें और ऊपर आप सॉयल, इसकी सैंड भी मैंने बताई हुई है, आप मेरी जो मैंने अभी न्यू वीडियो जेड प्लांट की डाली है वो आप जरूर उसको वॉच करें और एक मेरे चैनल को आप जरूर लाइक कर दिया करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं नई वीडियो बनाती रहूं। तो ये हमने सॉयल बिल्कुल सॉफ्ट सॉयल लेनी है, दोमट मिट्टी सकुलेंट प्लांट के लिए। वो भी मैंने सॉयल के बारे में बताया हुआ है कि कैसे हमने 50% गार्डन सॉयल और 20% हमने काउडंक और रिवर सैंड लेके इसको सॉफ्ट बनाना है और इस तरह से हमने कटिंग को लगा देना है। कटिंग हमेशा आप जब भी कटिंग लगाते हैं उसको आप एक दिन के लिए सुखा लें और सुखाने के बाद आप उस पर फंगीसाइड लगा दें ताकि जो हमारी ये कटिंग है सकुलेंट प्लांट में, हमेशा इसमें पत्तियों में भी पानी होता है और इसके स्टेम में भी पानी होता है, तो इससे फंगस ना लगे, फंगीसाइड लगाने का ये फायदा होता है। आप फंगीसाइड लगा देंगे तो सॉयल में इसको फंगस नहीं लगेगी और हमारी जो ये कटिंग है वो अच्छी तरह से ग्रो होगी इस तरह से। और मैंने उस वीडियो में आपको बताया कि किस तरह से हमने पानी देना है और इस तरह से अगर आप पत्ती निकाल के, अगर आप पत्ती को भी ग्रो करते हैं, क्यों ये देखो आप जल से भरी हुई है, अगर आप एक दिन की इसको धूप लगा के उस अगले दिन आप ग्रो करते हैं तो उसका रिजल्ट 100% बहुत अच्छा निकलता है। इसको आप ऐसे ही ग्रो कर देंगे, अगर वैसे भी गिर जाती है सकुलेंट प्लांट में तो वो ग्रो हो जाती है। इस तरह से मैं ये जितने भी मेरे पास पॉट भरे हुए हैं मैं सब में इनमें कटिंग लगाऊंगी और उसके बाद मैं आपको इसकी अपडेट दूंगी और साथ में मैं जो ये कटिंग लगाऊंगी एक पत्ती की वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, इसको कर्सुला की कटिंग को लगाए हुए ओनली 15 डेज हुए हैं, आप देख रहे हैं इन्होंने बहुत अच्छी ग्रोथ की है। पहले मैं इनकी रूट्स दिखाती हूँ कि कैसे इन्होंने रूट्स निकाली हैं और यहाँ पे मैंने पत्ती ग्रो की थी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि उसने कैसी रूट्स बनाई हैं। ये आप देखेंगे एक एक पत्ती को मैंने वैसे ही रख दिया था, मैंने अच्छी तरह से ग्रो भी नहीं किया था पर इसने बहुत अच्छी रूट्स बनाई हैं। इस तरह से अगर आप एक पत्ती लगाते हैं, छोटी सी टहनी लगाते हैं, तो आप देखेंगे कि कैसे उसने ग्रोथ की है। और आप ज़रूर एक पत्ती अगर आप कहीं से भी लेके आते हैं, अगर आपको कहीं से नई नर्सरी से मिलता तो आप उसे ज़रूर ग्रो करें, तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छी रूट बनी है। और सबसे बड़ी बात यह है अब हमारे यहाँ गर्मी शुरू हो गई है,
गर्मी शुरू होगी है, गर्मी में आप हमेशा जो सकुलेंट प्लांट है उनकी आप वाटरिंग पे ध्यान दें। अगर जब ये हमारी सॉइल दिखती है कि बिल्कुल खुश्क हो चुकी है, बिल्कुल मॉइस्चराइज नहीं है, इसमें मॉइस्चराइज नहीं है, तो आप कभी भी ज़्यादा पानी मत दें, सिर्फ ओनली दिन में एक बार दें पानी, ताकि ये ऊपर वाली सतह गीली हो जाए। नहीं तो ऐसा होता है कि नीचे हमारे पानी रुका रह जाता है और रूट्स पे गल जाती हैं। तो आप पानी का ध्यान रखें और छाया वाले प्लेस पे रख दें। अब सर गर्मी बहुत ज़्यादा, नेट पे रखें या किसी सेमी शेड पे जहाँ पे वृक्षों की छाया पड़ती है, सीधी आप डायरेक्ट धूप में मत रखें, तो आप देखेंगे उस कटिंग ने बहुत अच्छी ग्रोथ की है। एक और मैं आपको बात बताऊँ, मैं हमेशा जो ये सूखी लकड़ी होती है हमारे बड़े वृक्षों से निकलती है, उसकी आप मल्चिंग जरूर कर दें। अगर आप कोई पत्थर रखते हैं, पत्थर तो ऐसा होता है कि गर्मी में गर्म होने की वजह से जब हम वाटरिंग करते हैं तो गर्म पानी हमारी रूट्स के पास पहुंचता है, पर जब ये जो ये लकड़ी होती है ये गर्म, ये बिल्कुल ना तो गर्म होती है ना ही ठंडी होती है, इसकी आप मल्चिंग करें। इसकी मल्चिंग करेंगे तो आप देखेंगे सभी प्लांट्स में, जो फ्रूट वाले हैं, फलों वाले हैं और फूलों वाले हैं, जो भी आपके प्लांट्स हैं, उसमें अगर आप लकड़ी के बुरादे की मल्चिंग करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों की, तो उसका रिजल्ट आप देखेंगे गर्मी में बहुत अच्छा निकलता है। करसुला आप जरूर लगाएं, एक लकी प्लांट है, पॉजिटिव एनर्जी देने वाला है। मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें और लाइक का बटन भी जरूर दबा दिया करें। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक्स।